जैकपैड यूनियन जिंदाबाद, जैकपैड यूनियन जिंदाबाद, जैकपैड यूनियन जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जैकपैड यूनियन जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद, जैकपैड यूनियन जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी हम सब जो यहां पर जैकपैड यूनियन जिंदाबाद, जैकपैड यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जैकपैड यूनियन जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, जैकपैड यूनियन जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मेरी तेजस, मुझे आज 10 साल हो गए, मैं रिटायर हो गया और आज तक मुझे अपने जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स थी वो हमें नहीं मिले। और इसी तरह से किसी को 7 साल, किसी को 8 साल, किसी को 9 साल, किसी को 10 साल, एक महीने के बाद उसको रिटायरमेंट हो गई है, वो उसको 11 साल हो गया है। रिटायरमेंट के बाद एक महीना जिंदा रहा और इस दुनिया से चले गए। अब आप बताइए, हम प्राइवेट हैं, नॉन पेंशनेबल हैं, हमारे पास कोई गुजारा नहीं है। अब ये बात है कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये पैसा कहाँ क्यों लिया, कैसे लिया? इसके बदले में जो भी हमारी एसेट्स, जो एसेट जम्मू और कश्मीर में है, मतलब यहाँ पर हमारे 26 कनाल हैं, 21 कनाल हैं, 26 कनाल हैं यहाँ शाहजीपुरा में, और इसके अलावा यहाँ पर पातशाही बाग में हमारा 3.5 कनाल एक गोदाम भी बना हुआ है और 3.5 कनाल ज़मीन भी है, और बिल्कुल मिल्कियत ज़मीन है, कोई चराई वराई नहीं है, श्री सरकार तो नहीं है, पूरा मतलब अपना ज़मीन है। उसी को हमने फिर रिक्वेस्ट की हमको ये बेच डालो और इसके आवाज में जितना भी पैसा आए वो हमें वो हम कंपनसेशन में लेंगे। एम्प्लाइज यूनियन जेंट के, मैं मुमताज हसन प्रेसिडेंट हूँ, तो हमारी गुजारिश है कि जैकफेड 2019 के बाद ऑनरेबल गवर्नर साहब ने वाइंड अप किया और कहा कि रिटायरमेंट ड्यूज एडजस्टमेंट मुलाजमों की जाएगी। तो ये इसलिए चीफ सेक्रेटरी साहब का हम शुक्रिया, तहदिली से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो किया जो वादा उन्होंने किया। अब हाल ही में हमारे डीवेद साहब ने 8.5 करोड़ रुपया फाइनेंस कॉपरेटिव के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया कि रिटायरमेंट ड्यूज इनको इन टाइम मिलेंगे। 2019 के बाद आज तक हमारी बेटियों की शादियां हैं, रुकी हुई हैं, बैंक लोन से हमारे तो हमारी प्रॉपर्टियाँ सीज होने का खतरा है, बीमार हैं हमारे, हमारी कोई पेंशन नहीं, हमारा यही सोर्स है ये जो इनको दिया। हमारी आप मीडिया से गुजारिश है कि बला हमारी एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं लिक्विडेटर जैकफेड जम्मू, उनसे गुजारिश है फिल फोर जो मिनट्स ऑफ मीटिंग पर लिखा गया वो हमारी फॉर्मेलिटियाँ वो हो गई हैं, फिल फोर हमारे रिटायरमेंट ड्यूज रिलीज किया जाए ताकि हम अपनी बेटियों की बैंक लोन वगैरह हमारा ये कर सकें। मैं तहे दिल से जनाबों का हम शुक्रगुजार हैं।